नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल यादव में। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे हाथ में IDFC का फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड, इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और किस तरह से इसका अनबॉक्सिंग करना है, देख सकते हैं इसका पैकेट आ गया है। बहुत ही सिंपल पैकेट है, इसको किस तरह से अनबॉक्सिंग करेंगे पूरा कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले इसको ओपन करा, देख सकते हो यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से सील दिया है, सील को ब्रेक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन करने में देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस शो कर रहा है, यहाँ से आपका एड्रेस शो कर रहा है, यहाँ से फर्स्ट बैंक शो कर रहा है और यहाँ से आका है इसका मेन। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से ओपन करेंगे अंदर वाले को भी। चलिए दोस्तों इसको कवर को हटा लेते हैं, उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ये लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे। उसके बाद से 10% 10x रिवार्ड पॉइंट है, उसके बाद से इंटरेस्ट फ्री है 48 दिन का, सुपर सेविंग इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं 500 का यहाँ से मिल रहा है रिवार्ड पॉइंट, और 500 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको रिवार्ड पॉइंट 500 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको साइड कर लेता हूँ, पीछे दिया है इसमें इस तरह से किस तरह से इसको यूज करना है। उसके बाद से देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया है कवर में, कवर को ओपन करता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट मिलेनिया कार्ड के बारे में इसमें दिया गया है और डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ सेकंड पेज पे दिया गया है इसको किस तरह से यूज करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंदर यहाँ पे कार्ड दिया गया है। इस तरह से आपको कार्ड मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड रखा हुआ है और किस तरह से इसका पिन सेट करना है यहाँ पर दिखा रहा है। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ये आसानी से यहाँ से इस तरह से पिन सेट कर सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इसमें किस तरह से आप पिन भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको पिन सेट करने का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद से यहाँ से आपका कार्ड दिया गया। चलिए कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरह से कार्ड है यहाँ पर, इस तरह से आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड के पीछे आपको नंबर मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर रहेगा। चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कार्ड का नंबर दिया गया है और इस तरह से कार्ड है, कार्ड पे लिखा है अप टू 10x रिवार्ड पॉइंट, सुपर सेविंग इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ से QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्ड है आपका, देख सकते हैं यहाँ आपका नाम रहता है, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक फैमिली लिखा रहेगा। इस तरह से कार्ड है, इसके बाद कार्ड का डिटेल यहाँ पर दिया गया, अंदर देख सकते हैं इस पेज में दिया गया कार्ड का आपका नाम क्या है और कितना आपको कार्ड नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। कस्टमर आईडी यहाँ पे दिया गया है, कस्टमर आईडी के माध्यम से ही आप इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से कार्ड लिमिट दिया गया है, उस पर देख सकते हैं कितना सब कुछ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और इसका पिन बनाता हूँ, किस तरह से इसका पिन बनाना है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से IDFC फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ से कस्टमर आईडी मांगेगा, तो कस्टमर आईडी जो मैं दिखाया हूँ आपके कार्ड के अंदर रहता है, कस्टमर आईडी डालेंगे, उसके बाद से कार्ड का लास्ट नंबर डालेंगे 4 डिजिट का और आसानी से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं यहाँ पर दिखा रहा है सेट पिन, सेट पिन वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको पिन रखना है वो 4 अंकों का पिन रखेंगे। उसके बाद से फिर से यहाँ वेरीफाई करेंगे, यहाँ से पिन डालने के बाद यहाँ से नीचे आ रहा है वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग लगा, देख सकते हैं इस तरह से आपका सक्सेसफुली पिन सेट हो गया था IDFC फर्स्ट बैंक में, इस डन कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना पिन सेट कर सकते हैं और यहाँ से अपना कार्ड देख सकते हैं, व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आपको कार्ड शो कर रहा है और यहाँ पर आपका जो भी दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ से आपको कार्ड का कंट्रोल कर सकते हैं, यहीं से आपको जितना भी सेट करना है सब कुछ यहाँ से ट्रांजेक्शन सेट करना है, ट्रांजेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कार्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।